हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनबॉक्सिंग एग्जाम। दोस्तों, अनबॉक्सिंग एग्जाम की सीरीज में हम आपके लिए राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2019-20, जो बजट से पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, वो लेके आपकी सेवा में हाजिर हैं। ये राजस्थान स्टेट की, इसी तरह हम सभी स्टेट की आपको आर्थिक समीक्षा कराएंगे। इसमें जो जो मेन एलिमेंट है, ये लगभग 250 से अधिक 264 पेज की आर्थिक समीक्षा है, जिसे समराइज किया जाएगा। उस समराइज भाग का पार्ट वन आपकी सेवा में लेके हम हाजिर हैं। पहला सवाल यहाँ बनता है, आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है? तो दोस्तों, आर्थिक समीक्षा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान जयपुर, ये इस विभाग के द्वारा जारी की जाती है। आर्थिक समीक्षा की इस बार थीम क्या थी, मतलब किस भूतपूर्व राष्ट्र के महान विभूति को ये समर्पित थी, तो यह महात्मा गांधी के 150 साल पूरे होने के सेलिब्रेशन पर यह महात्मा गांधी थी। तो आरपीएससी में आरएएस कैटेगरी में स्पेशली इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि इस बार की आर्थिक समीक्षा में किस भूतपूर्व भारतीय महान विभूति का अंकन किया गया था, चित्रण किया गया था? तो दोस्तों, वो थे महात्मा गांधी। इसका संदेश श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा पढ़ा गया था। वहीं इसका प्राक्कथन श्री सचिन पायलट, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, और इसकी प्रस्तावना श्री डीबी गुप्ता, बीडी गुप्ता नहीं है ये, डीबी गुप्ता, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार द्वारा पढ़ा गया था। तो दोस्तों, ये एक चलन है, इन पदों के नाम पूछ लिए जाते हैं। प्राक्कथन किसके द्वारा किया गया था? आरएएस में थोड़े से चैलेंजिंग सवाल होते हैं, लेकिन आर्थिक समीक्षा सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज होने की वजह से हमेशा विश्वसनीय होता है, इसलिए इसकी हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आर्थिक विकास के जो मुख्य सूचक हैं, उनको हम यहाँ पढ़ते हुए इस आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं। आर्थिक समीक्षा में जो मुख्य सूचक लिए गए, उनमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमने जनरली हमारी स्टडी के दौरान जीडीपी को पढ़ा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, लेकिन जब ये राज्य के रेफरेंस में आते हैं तो इसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कहा जाता है। इसके लिए आधार वर्ष 2011-12 निर्धारित किया गया, जो सवाल के रूप में पूछते हैं कि जीडीपी का या जीएसडीपी का आधार वर्ष क्या है। हम आज की सेक्शन में 2018-19, 19-20 का कंपैरेटिव सेक्शन लेके चलेंगे, क्योंकि 19-20 के सभी आंकड़े पूर्णतया प्राप्त होके अंतिम रूप से संश्लेषित नहीं होते, इसलिए ज़्यादातर 2018-19 के, यानी जो पिछले पूर्ण परिमार्जित आंकड़े आ जाते हैं, उन्हीं पे सरकार का फोकस रहता है। तो हम ये सोचते हैं कि ये तो पेपर पुराना था, ये तो बहुत पीछे से आया, या एक वर्ष पुराना डाटा पूछ लिया। वो एक वर्ष इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो डाटा हमेशा क्रॉस चेक्ड होते हैं, फाइनल अप्रूव्ड होते हैं। तो यहाँ मैं जीएसडीपी की बात करूँ, इसकी इकाई है रुपये करोड़। तो 2018-19 में स्थिर कीमत यानी 2011-12 आधार वर्ष वाली कीमत पे 6,77,428 करोड़ रुपए हमारी स्टेट की जीएसडीपी थी, जो 2019-20 में बढ़ के 7,11,627 करोड़ रुपए हो गई। वहीं ये प्रचलित कीमत जो आज कीमत चल रही है उस पे हम जब बात करें, तो दोस्तों 2018-19 में ये 9,42,586 करोड़ थी, वहीं इस वर्ष 2019-20 में ये 10,20,000, यानी हमारी जीएसडीपी ने 10 लाख का आंकड़ा किस वर्ष प्राप्त किया, तो 2019-20 के वर्ष में। वहीं अब आर्थिक वृद्धि दर की बात करें, ये तो साइज था, अब ग्रोथ रेट क्या रही? तो स्थिर कीमतों पर ग्रोथ रेट रही 6.97%, वहीं 2019-20 में यह रही 5.05, यानी ग्रोथ रेट कम हुई है, गिरी है। वहीं प्रचलित कीमतों पर इस ग्रोथ रेट की बात करें तो यह 12.86%, वहीं इस बार यह 8.32%, यानी दोनों में स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट हुई है। यह हम याद रखेंगे, इसे फैक्चुअल में जहां चार ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, वहां पूछ लिया जाता है। वहीं अगला आता है सकल राज्य मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन का मतलब कीमत इंक्रीज जो हुई है वो स्थिर कीमतों पर कितनी है और प्रचलित पर कितनी है।
तो अर्थव्यवस्था को मुख्यतः तीन क्षेत्रों में बांट के उसका अध्ययन किया जाता है, कृषि, उद्योग और सेवाएं। तो दोस्तों 2018-19 में कृषि का योगदान 25.04 था, कौन सी कीमतों पर? स्थिर कीमतों पर। वहीं 2019-20 में ये 25.19%। उद्योगों की बात करें तो ये 31.59%, जो 19-20 में कम होके 30.67% हो गया। वहीं सेवाएं क्षेत्र की बात करें तो यह 43.37% है, जो बढ़कर 44.14 हो गया। तो हम देख रहे हैं कृषि में वृद्धि हुई है और सेवाओं क्षेत्र में प्रतिशत में वृद्धि हुई है। कृषि में वृद्धि अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दिखाती है कि हम कृषि सेक्टर की ओर हमारी अर्थव्यवस्था को ले जा रहे हैं, जो पिछड़ेपन का संकेत है। वहीं जब हम सेवाओं में इसे वृद्धि के रूप में देखते हैं तो यह अर्थव्यवस्था की वृद्धि के रूप में माना जाता है। तो दोनों समान रूप से परिलक्षित हो रही है। दोस्तों यहाँ थी ये सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर कीमतों पर, अब हम पढ़ेंगे सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित कीमतों पर। तो प्रचलित कीमत वो कीमतें जो आज हैं। तो कृषि का योगदान 25.16% है, जो 19-20 में बढ़ के 25.56। ये थोड़े से आंकड़े के रूप में होने की वजह से ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन जब इन्हें बार बार आप दोहराएंगे, ये पीडीएफ भी हम आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। वहीं उद्योगों का योगदान 29.09%, वहीं 19-20 में यह 27, यानी उद्योगों में कमी हुई है। सेवा क्षेत्र 45.75 से बढ़ के 46.63 हो गया है। शुद्ध सकल राज्य वो था ग्रोस, ये है शुद्ध यानी नेट। स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितने का हो गया? 6,435 करोड़ का हुआ वर्ष 2018-19 में। वहीं 6,30,695 करोड़ का 19-20 में। वहीं प्रचलित कीमतों पे बात करें तो ये 8,45,247 करोड़ रुपए है, जो स्थिर कीमतों प्रचलित कीमतों पे 2019-20 में बढ़ के 9,16,014 करोड़ रुपए हो गया। दोस्तों यहाँ सवाल किस रूप में पूछ सकते हैं आरपीएससी में आरएएस के लिए, कि जो हमने 10 लाख का आंकड़ा प्राप्त किया है जीएसडीपी में, वो सकल में प्राप्त किया है या शुद्ध में? तो मैं आपको बता दूं, वो हमने सकल में प्राप्त किया है। शुद्ध में अभी हम 9,16,000 पे हैं, अभी 10 लाख का हमने आंकड़ा प्राप्त नहीं किया है। एक सबसे इम्पोर्टेंट और बार बार दोहराए जाने वाला सवाल है प्रति व्यक्ति आय। इसके भी दो पैरामीटर हैं, स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर यह 78,570 रुपये है, 78,570। वहीं 2019-20 में यह 81,355 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष हो गया है। वहीं प्रचलित कीमतों पर बात करें तो यह 2018-19 में 1,00,000 का आंकड़ा क्रॉस करके 1,10,606 रुपये हो गया था। वहीं जो अब बढ़ के 1,18,159 करोड़ रुपये, यह इसकी इकाई रुपये है, वो रुपये करोड़ में थी कीमतें। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज होने से बचें, बार बार इसे पढ़ेंगे तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं कुल खाद्यान्न उत्पादन। वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 231.25, क्या है ये दोस्तों? ये लाख मीट्रिक टन है, 231.25 लाख मीट्रिक टन है। मैंने यहाँ प्लस का निशान लगाया, इसका मतलब इसके अंतिम आंकड़े आ गए हैं। वहीं 2019-20 के भी आंकड़े आए हैं जो परिशुद्ध होंगे पहले दूसरे तीसरे चरण में, लेकिन आज अगर हम प्रावधानिक रूप से बात करें तो 249.88 लाख मीट्रिक टन ये हमारा प्रावधानिक दो हजार। अब सवाल अगर आरपीएससी को पूछना है तो वो 2018-19 से पूछना पसंद करेगी, क्योंकि ये अंतिम आंकड़े हैं, इनमें किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश नहीं है। वहीं औद्योगिक श्रमिकों के हमारे तीन केंद्र हैं, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पूछा जाता है जिसका आधार वर्ष है 2001, वहीं हम पिछले आधार वर्ष पढ़ रहे थे जीएसडीपी में 2011-12। इन आधार वर्ष के लिए एक पेज पे अलग से आंकड़े लिए हैं, वहाँ इसको विस्तार से बताएंगे। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 282, 272, 278, जब आरपीएससी स्पेशलाइजेशन पे आती है तो वो तीनों आंकड़े पूछ के मिलान कराना पूछ सकती है, इसलिए 2018-19 के ये हैं। वहीं 19-20 के 312, 291, 295,
ये पूरे वर्ष के ना होके जनवरी से नवंबर 2019 के आंकड़े, सरकार अधूरे आंकड़े पूछने से बचना चाहती है, इसलिए वो जनरली जो अंतिम आंकड़े प्राप्त होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कि इसका मतलब कि हम अधूरे आंकड़े याद ना करें, हमें कंपेरेटिव भी पता होना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी सवाल में लिख देगी जनवरी 2019 से नवंबर 2019 में भीलवाड़ा केंद्र में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए क्या था, तो वहां राइट आंसर 295 ही होगा। अधिष्ठापित क्षमता यानी ऊर्जा कितने, ऊर्जा की इकाई हम यहाँ मेगावाट में देख रहे हैं, 21,078 मेगावाट हमने 2018-19 में पैदा की थी, जो 21,176 मेगावाट होगी दिसंबर 2019 तक। ये पूरे मार्च तक के आंकड़े नहीं है, दिसंबर के आंकड़े हैं, जिसमें अब आगे और वृद्धि मिलेगी। किस किस क्षेत्र में तापीय कितनी, वायु से कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई है, सौर ऊर्जा कितनी, ये हम विस्तार से आर्थिक समीक्षा जब कंप्लीट करेंगे तो इसके आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे। वहीं एक छोटा सा आंकड़ा है, एक सिर्फ देखने की नज़र है, वाणिज्यिक बैंक साख सितंबर महीने तक, अभी उसके आगे के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, सितंबर तक हमारे जो कमर्शियल बैंक थे उनके पास 2,67,523 करोड़ रुपए की एसेट तो थी 2018-19 में। वहीं 2019-20 की बात करें तो यह 3,15,149 करोड़ रुपये। अब दोस्तों, मैंने आपको कहा था आधार वर्ष के लिए हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे, क्योंकि आधार वर्ष से सवाल आरएएस के साथ साथ अधीनस्थ में भी पूछे जाते हैं, जो आपके पटवारी कांस्टेबल एग्जाम आए हैं उनमें आधार वर्ष का एक या दो सवाल डेफिनेटली होते हैं। आधार वर्ष वही ज़्यादा पूछे जाएंगे जो आपकी आर्थिक समीक्षा में मेंशन्ड होंगे, क्योंकि ये ऑथेंटिक है, इसको किसी भी रूप से कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हम बात करते हैं जीएसटीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वहीं एनएसडीपी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इन दोनों का आधार वर्ष स्थिर कीमतों का 2011-12 है। मैं स्थिर कीमतों की बात कर रहा हूँ, प्रचलित कीमतें मतलब जो वर्तमान में चल रही हैं। वहीं कृषि उत्पादन सूचकांक हमने उत्पादन देखा था, उसका आधार वर्ष 2005-06 वाला कृषि वर्ष से लेके 2007-08 का, इन्हें 100 मान के आज के परिप्रेक्ष्य में इनके आंकड़े निकाले जाते हैं। वहीं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष वही है जो जीएसडीपी का, यानी 2011-12, लेकिन थोक भाव सूचकांक इसका आधार वर्ष 1999-2000 ही है, तो ये एक स्पेशल आंकड़ा होने की वजह से पूछने के चांसेज हैं कि राजस्थान में थोक भाव सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो वहाँ 2011-12 नहीं करना, 1999-2000 ही करना है। वहीं औद्योगिक श्रमिकों के हमने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जो आंकड़े प्राप्त किए थे उनका आधार वर्ष है 2001। तो दोस्तों, ये आर्थिक समीक्षा कड़ी का पहला भाग है, इन्हें हाथ से लिखने की कोशिश इसलिए की गई है क्योंकि ये सब आंकड़े आपको बुक्स में भी उपलब्ध होंगे। कुछ टीचर से बनाते टाइम गलती हो जाती है, कुछ उसको टाइप करते टाइम, प्रिंट करते टाइम गलती की गुंजाइश बढ़ती है, उस गुंजाइश को कम करने के लिए हमने ये सभी आंकड़े आपको हैंड रिटन नोट्स के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। तो उस कड़ी में राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2019-20 का ये पहला सेशन है। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग एग्जाम पे अगर आपको हमारा ये प्रयास बढ़िया लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ सुझाव हैं तो कमेंट में बताइए, कोई चीज़ समझ ना आई तो सवाल के रूप में पूछिए। हम इसका अगला भाग लेके जल्दी आपकी सेवा में हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।